हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वास्तु ज्ञान में आपके लिए लेकर आए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद नवरात्रे आगमन करने वाले हैं। माँ दुर्गा यूँ तो हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में माता की पूजा विशेष फलदायी होती है और इसका लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माता नवरात्र के दिनों में पृथ्वी पर निवास करती हैं और जहाँ जहाँ इनकी मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी में निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसीलिए नवरात्रे शुरू होने से पहले माता के आने की तैयारी कर लीजिए, ताकि माँ खुशी खुशी आपके घर में आए और सुख समृद्धि बरसाए। माता के आगमन की तैयारी को लेकर वास्तु विज्ञान में कुछ नियम बताए गए हैं। इनके अनुसार हर दिशा के अपने खास देवी देवता होते हैं, इसीलिए विभिन्न देवी देवताओं के क्षेत्र के लिए जो दिशा निर्धारित हो, उनकी पूजा उसी दिशा में होनी चाहिए। इससे पूजा पूर्ण फलदायी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता का क्षेत्र दक्षिण दिशा है, इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि माता की पूजा करते समय हमारा मुख दक्षिण या पूर्व दिशा में ही रहे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके माँ का ध्यान पूजन करने से हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, जबकि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजन करने से मानसिक शांति मिलती है और हमारा सीधा जुड़ाव माता से होता है। माता की प्रसन्नता की कामना रखने वालों को पूजन सामग्री दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। इस कमरे में हल्के पीला, हरा या फिर गुलाबी रंग होना वास्तु के अनुसार शुभ फलदायी होता है, क्योंकि इससे पूजा कक्ष में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई बार पूजा करते समय अचानक ही ध्यान भटकने लगता है। इस समस्या से बचने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा में प्लास्टिक या लकड़ी से बने पिरामिड रख सकते हैं। पिरामिड रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि पिरामिड नीचे से खोखला हो। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कुछ ऐसे वास्तु टिप्स के बारे में, जिन्हें अगर आप अपनाएंगे तो माँ दुर्गा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्र के दिनों में इन वास्तु टिप्स का विशेष ध्यान रखें और इन्हें जरूर अपनाएं और अपनी जिंदगी सुखमय बनाएं। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगे तो आप इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वास्तु ज्ञान पर आपको ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसको घर में रखने मात्र से ही यह अपनी ओर धन को खींचता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो पैसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मगर कई बार ऐसा होता है कि ऐसा करने के बावजूद भी घर में तंगहाली ही बनी रहती है। इसके लिए कई वास्तु उपाय हैं और यह भी कहा जाता है कि घर में मनी प्लांट लगाकर देखो, यह काफ़ी प्रचलित है और ज़्यादातर घरों में आपको मिल भी जाएगा। मगर क्या आपने कभी क्रासुला का नाम सुना है? इसे भी मनी ट्री कहा जाता है। चलिए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र होता है, वैसे ही चीन में फेंग शुई की विद्या है और इसके अनुसार एक ऐसा पौधा है जिसे सिर्फ घर में रख देने मात्र से ही यह पैसे को अपनी ओर खींचता है। इस पौधे को ही क्रासुला कहते हैं। यह एक फैलावदार पौधा है जिसकी पत्तियां चौड़ी होती है, मगर हाथ लगाने से मखमली एहसास होता है। इस पौधे की पत्तियों का रंग ना तो पूरी तरह से हरा होता है और ना ही पूरी तरह से पीला, यह दोनों रंगों से मिश्रित पत्तियाँ होती है। लेकिन अन्य पौधों की तरह यह पत्तियां कमजोर नहीं होती, जो हाथ लगाने भर से ही टूट जाए। जहां तक देखभाल की बात है तो मनी प्लांट की तरह इस पौधे के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अगर आप 2-3 दिन बाद भी इसे पानी देंगे तो यह सूखेगा नहीं। क्रासुला घर के भीतर छांव में भी पनप सकता है। यह पौधा अधिक जगह भी नहीं लेता। आप इसे छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं। अब अगर धन प्राप्ति की बात करें तो फेंग शुई के अनुसार क्रासुला अच्छी ऊर्जा की तरह धन को भी घर की ओर खींचता है। इस पौधे को घर के प्रवेश द्वार के पास ही लगाएं। जहां से प्रवेश द्वार खुलता है उसके दाहिनी ओर इसे रख दें। कुछ ही दिनों में यह पौधा अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और घर में हर तरह की सुख शांति भी बरकरार रखेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि एक ऐसा भी पौधा है जो चुंबक की तरह पैसे को अपनी ओर खींचता है। अगर आप भी अपने पैसों की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आज से ही इस पौधे को घर में लाएं और अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।